And today I am teaching mathematics for class 6. आज हम exercise 3C पढ़ेंगे. इसके पहले कुछ चीजों को जानेंगे. Even and odd numbers क्या होते हैं, prime and composite numbers क्या होते हैं, even numbers, odd numbers. प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर, इसमें से कई सारे डिफिनेशन आपको पता होंगे. अब देखिए प्राइम नंबर के साथ कुछ और है, जैसे को प्राइम, ट्विन प्राइम, एंड प्राइम ट्रिपलेट. प्राइम ट्रिपलेट ये बराबर है, कंपोजिट नंबर बाद में निकलेंगे. प्राइम नंबर को प्राइम, ट्विन प्राइम, एंड प्राइम ट्रिपलेट. इसके बाद कंपोजिट नंबर. ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिन्हें हम समझेंगे, और यही आपकी एक्सरसाइज 3 के लिए है. उसके बाद एक नया टर्म परफेक्ट नंबर ये भी ऐड कर रहे हैं. परफेक्ट नंबर्स देखिए, अब हम शुरू कर रहे हैं यहां से इवन नंबर से. आप जानते हो द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय टू इज नोन एज इवन नंबर. ये नंबर क्या होते हैं, डिविजिबल बाय टू. जो भी नंबर टू से डिविजिबल होगा वो सारे नंबर्स इवन नंबर कहलाते हैं. ऑड नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय टू, मतलब ऐसे नंबर्स जो टू से डिविजिबल नहीं है वो ऑड नंबर कहलाते हैं, डिविजिबल बाय टू. इवन नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल होते हैं. ऑड नंबर क्या होते हैं, जो टू से डिविजिबल नहीं होते. प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक तो वन और एक वो नंबर खुद. दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय वन एंड itself only. Prime number क्या होते हैं, ऐसे numbers जो केवल वन से और itself से divide हो, बाकी किसी से न हो, वो prime. दो ऐसे natural number जिनके बीच में वन के अलावा कुछ भी common ना हो, those numbers
विच हैव सॉरी टू नेचुरल नंबर्स, दो ऐसे नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर्स विच हैव only one as their HCF, as their HCF. यहाँ पे दो नंबर्स जिनके बीच HCF केवल वन हो, वो दोनों रैशनल नंबर को प्राइस कराते हैं. जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 16 and 25, आप इसका HCF निकालोगे तो क्या आएगा, वन आएगा. तो ये दोनों नंबर को प्राइस कहलाएंगे. थोड़ा नाम के हिसाब से कंट्रडिक्शन है, थोड़ा आपको और लग सकता है, क्योंकि न तो 16 प्राइम नंबर है ना ही 25, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, बट इन्हें हम को प्राइम्स कह सकते हैं, क्योंकि को प्राइम्स का डिफिनेशन मैंने वो नहीं बताया था. मैंने ये प्राइम का डिफिनेशन बताया था कि दोस नंबर व्हिच आर यूजर बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं. बट को प्राइम में दो ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच में एचसीएफ वन, वो दोनों नंबर को प्राइम्स कहलाते हैं. इसके बाद ट्विन प्राइम. अब देखिए यहां पे आएगा प्राइम वाला डेफिनेशन यूज होगा. ट्विन प्राइम का मतलब है दो ऐसे प्राइम नंबर्स, दो ऐसे प्राइम नंबर्स, इसमें प्राइम नंबर मैं यूज कर रहा हूं, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस टू हो, टू प्राइम नंबर्स डिफर बाय टू, डिफर बाय टू, दो प्राइम नंबर जिनके बीच डिफरेंस टू हो उन्हें ट्विन प्राइम कहते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 5, ये दोनों प्राइम नंबर है और इनके बीच का डिफरेंस 2 है. 5, 7, अब देखिए इसके बाद 7, 11 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस है. तो इस तरह के नंबर ट्विन प्राइम कहलाते हैं. ओके, अब देखिए कंपोजिट नंबर्स, एक मैंने छोड़ दिया यहां पे प्राइम सिंपलेक्स. तो देखिए प्राइम ट्रिपलेट जैसे ट्विन प्राइम है, सिमिलरली प्राइम ट्रिपलेट है, तीन ऐसे नेचुरल नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2-2 हो. ओके, जैसे 3, 5 and 7, ये प्राइम ट्रिपलेट कहलाते हैं, क्योंकि ये 2-2 के डिफरेंस में है और तीन नेचुरल नंबर which is differed by 2 is known as prime triplet. Then after composite numbers. Composite numbers क्या होता है? Composite numbers are the numbers which have more than 2 factors. मतलब हर एक number का कम से कम 2 factor तो होता ही है. एक तो 1 होता है, एक वो number खुद होता है. इसके अलावा भी कोई ना कोई factor हो तब उन numbers को composite number कहेंगे. Having more than more than two factors, उनको कंपोजिट नंबर कहते हैं. देन परफेक्ट नंबर. परफेक्ट नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर ऐसा नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर. एक नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ. मतलब जैसे कोई नंबर है मान लीजिए 5 या 8 मान लेते हैं, तो 8 के सारे फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 4 से होता है एंड 8 से होता है. तो एक्सक्लूडिंग इट्सेल्फ, 8 को हटा देते हैं,
बाकी जो फैक्टर्स इसके होते हैं इनके सम के इक्वल अगर ये नंबर है तो उसे हम परफेक्ट नंबर कहेंगे। इन तीनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, अगर प्लस कर देते हैं तो क्या आएगा, सेवन, एंड सेवन इज नॉट इक्वल टू एट, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अब इस तरह का कोई नंबर क्या आपको पता है, आप सर्च आउट कर सकते हो। देखो सिक्स, सिक्स के फैक्टर्स क्या है, ये वन से डिवाइड होता है, टू से डिवाइड होता है, थ्री से होता है एंड सिक्स से होता है। तो मैंने परफेक्ट नंबर के डेफिनेशन में बताया, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर, अ नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट नंबर इफ इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स ऑल फैक्टर एक्सक्लूडिंग इटसेल्फ, मतलब इसे छोड़कर, इस नंबर को हटाकर बाकी जितने भी सारे फैक्टर्स हैं उन सबके सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वन प्लस टू प्लस थ्री, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री, ये सिक्स आएगा, मतलब ये हुआ कि सिक्स इज अ परफेक्ट नंबर। ओके, बाकी ये था ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज के बारे में सब कुछ। अब इस एक्सरसाइज को आप इजीली खुद से सॉल्व कर सकते हो। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, टेल वेदर इच नंबर इज अ प्राइम आर कंपोजिट, आपको बताना है कि कौन सा प्राइम नंबर है, कौन सा कंपोजिट। तो आप जानते हो प्राइम नंबर क्या होता है, जो नंबर केवल वन से और खुद से ही डिवाइड हो वो नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे, और जो नंबर वन एंड इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर से डिवाइड हो वो कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। सेकेंड, राइट ऑल इवन प्राइम नंबर्स, सारे इवन प्राइम नंबर्स को लिखिए। प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100, 90 और 100 के बीच के प्राइम नंबर को लिखिए। स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स बिटवीन 70 और 80 के बीच में ट्विन प्राइम्स लिखना है। देन नंबर दैट इज नेदर प्राइम नॉट कंपोजिट, ऐसे नंबर जो न तो प्राइम है न तो कंपोजिट, ऐसा केवल एक ही नंबर है वन, ये ना तो कंपोजिट है ना ही प्राइम है। आप लोग इस एक्सरसाइज को ऐसा होमवर्क करिए, बाकी अगर कुछ भी आपको डाउट है हमें कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियो भी मैं इसी एक्सरसाइज पे बनाऊंगा, और तब तक आप खुद से अपनी प्रैक्टिस कर लो, और जो ना है वो कमेंट बॉक्स है हमसे पूछिए।